अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और इस सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा लो हेलो बच्चों मैं हूं नीरज दुबे और आज के सेशन में मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऑप्टिकल आइज तो दम तो टूडेज गोल क्या डिस्कस करने वाले हैं तो आज तो हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन उसके बाद प्लेन सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री और काइरल एटम को आइडेंटिफाई करना यह सीखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सेशन को अब यार सबसे पहला क्वेश्चन यह होता है कि सर ऑप्टिकल आइसोमर है क्या तो ध्यान रखिएगा ऐसे स्टीरियो आइसोमर जिनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए बिहेवियर डिफरेंट है ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर तो डिफिनेशन देखिए कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला एंड डिफरेंट बिहेवियर प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर आसान शब्दों में कहें तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जिनका प्लेन पोलराइज लाइट के लिए बिहेवियर डिफरेंट है उनको हम उन स्टीरियो आइसोमर्स को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं अब देखिए मान लीजिए हमारे पास तीन कंपाउंड है ए है बी है और सी है और इनसे हम प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो इन तीनों का बिहेवियर प्लेन पोलराइज लाइट के लिए डिफरेंट है कंपाउंड ए है जो लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता बी है जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है और सी है जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ऐसे कंपाउंड जिनका प्लेन पोलराइज लाइट के लिए बिहेवियर डिफरेंट है लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है जो आइसोमर हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे अब ऑप्टिकल आइसोमर में आप कुछ सिमिलरिटी देखेंगे कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। जैसे सिमिलरिटी क्या है तो इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा डिफरेंस क्या होगा स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला मीन्स एटम्स का स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होगा और क्या सिमिलरिटी होगी तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी एक्सेप्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दैट इज बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलियराइज लाइट बाकी सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होने वाली हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं एक्सेप्ट इनका रेट ऑफ रिएक्शन किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से डिफरेंट होगा तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकल आइसोमर हैं उन ऑप्टिकल आइसोमर का किसी दूसरे ऑप्टिकली एक्टिव और इनेक्टिव दोनों के साथ अगर रिएक्शन करें अगर कोई भी कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है अगर इसकी रिएक्शन दूसरे ऑप्टिकली एक्टिव से करें और एक बार ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन आर वन आर टू डिफरेंस होगा तो बाकी केमिकल रिएक्शन सेम होंगी केवल रिएक्शन के होने का रेट डिफरेंट हो सकता है ठीक है तो नोट कीजिए चार्ट फिर आगे चलते हैं ठीक है तो इसको हम यार एक पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं कि कैसे कोई भी कंपाउंड लाइट को रोटेट करता है कब और कैसे लाइट को रोटेट नहीं करता है या किस डायरेक्शन में रोटेट करता है ठीक है तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट देखिए अगर हमारे पास एक ऑर्डनरी लाइट का सोर्स है हमारे पास एक ऑर्डनरी वाइट लाइट का सोर्स है वाइट लाइट का सोर्स है एक बल्ब है येलो लाइट जिससे निकल रही है येलो लाइट मीन्स मोनोक्रोमेटिक लाइट अब यार मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है मोनोक्रोमेटिक लाइट जिससे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट निकलती है अगर आप नॉर्मली व्हाइट लाइट लेते हैं देन व्हाइट लाइट इज कंप्लीट स्पेक्ट्रम उसमें वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड पूरा होगा लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट लें जैसे येलो लाइट तो एक फिक्स वेवलेंथ वाली लाइट को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट तो अगर हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक ऑर्डिनरी सोर्स लेते हैं तो इस लाइट के जो वाइब्रेशन है इस लाइट के जो वाइब्रेशन है वो सभी डायरेक्शन में होंगे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है अब देखो जो नॉर्मली व्हाइट लाइट है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है इस लाइट के वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में होते हैं और इसलिए जो लाइट है यह है सर्कुलरली पोलराइज लाइट ठीक है जैसे सर्कुलरली लाइट है जैसे आप हाईवे पे जा रहे हैं रात के टाइम जब आप हाईवे पे जाते हैं और दूर से आता हुआ आपको ट्रक दिखता है उसकी लाइट चारों तरफ स्केटर हो रही होती है तो चारों तरफ स्केटर हो रही होती है वो है नॉन पोलराइज लाइट वो है नॉन पोलराइज लाइट क्योंकि उसके वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है इसको हम कहते हैं अनपोलराइज लाइट या नॉन पोलराइज नॉन पोलराइज लाइट जिसके वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है लेकिन अगर हम ऑर्डनरी लाइट को लेकिन अगर हम ऑर्डनरी लाइट को एक पर्टिकुलर डिवाइस से पास करें ठीक है ना पर्टिकुलर डिवाइस से पास करें ये डिवाइस है पोलराइजर ठीक है पोलराइजर एक स्पेशल विंडो की तरह काम करता है पोलराइजर एक स्पेशल विंडो की तरह काम करता है इस विंडो में कुछ ओपनिंग्स हैं इस तरह से कुछ विंडो की ओपनिंग्स हैं अब ये पोलराइजर क्या करेगा केवल उन्हीं लाइट्स को अपने में से पास होने देगा जो इसकी ओपनिंग के साथ पैरेलल है बाकी लाइट को या तो एब्जॉर्ब कर लेगा फिल्टर कर देगा रिफ्लेक्टेड बैक कर देगा लेकिन वही लाइट पास हो पाएंगी जो इसकी ओपनिंग के साथ पैरेलल थी जैसे मान लो हमारे पास एक विंडो है और मेरे पास बहुत सारे पेन हैं अब मैं विंडो से जब पेन बाहर फेंकूंगा और विंडो की ओपनिंग केवल ऐसी है जैसे ये विंडो है तो वही पेन बाहर निकल पाएंगे जो इस ओपनिंग के साथ पैरल आ रहे होंगे अगर कोई पेन ऐसा आ रहा है तो ये बाहर नहीं जा पाएगा तो अब इनमें से सभी डायरेक्शन वाली लाइट आ रही थी लेकिन बाकी लाइट तो फिल्टर्ड हो जाएंगी और वही लाइट यहां पर जो जा पाएगी जो विंडो की ओपनिंग के साथ पैरलर था तो कुछ अब जो लाइट जाएंगी वो सभी उन के सभी वाइब्रेशन एक डायरेक्शन में होंगे और जो अब लाइट मिलेगी ये नॉन पोलराइज लाइट है या इसी को सर्कुलरली पोलराइज लाइट भी कहते हैं सर्कुलरली पोलराइज लाइट सभी डायरेक्शन में है अब जो लाइट हमें मिली है अब ये लाइट है प्लेन पोलराइज्ड लाइट और इसी को मैं शॉर्ट में पीपीएल लिखने वाला हूं पीपीएल मींस प्लेन पोलराइज लाइट अब देखिए अगर मैं प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ में एक सैंपल रख देता हूं प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ में एक सैंपल रख दिया एक सैंपल रख देते हैं प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ में प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ में यहां पर एक कंपाउंड रख दिया कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है हमारी चॉइस से हमने एक कंपाउंड रख दिया इस प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ पे अब जब प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ पे हम एक सैंपल रखेंगे तो अब यह सैंपल तीन टाइप के बिहेवियर शो कर सकता है इनफैक्ट नेचर में मिलने वाले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका तीन टाइप का बिहेवियर हो सकता है एक बिहेवियर यह हो सकता है कि जब हमने यहां से लाइट पास किया तो यह जो सैंपल है यह सैंपल लाइट को किसी भी एक डायरेक्शन में रोटेट कर दे जैसे यह सैंपल था इस सैंपल ने लाइट को किसी भी एक डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है तीन केस हो सकते हैं देखिए क्या हो सकता है एक केस तो यह हो सकता है कि क्या हो सकते हैं तीन केस देखिए एक केस तो यह हो सकता है कि जो सैंपल हमने सैंपल से लाइट पास किया इस सैंपल ने लाइट पहले सीधी जा रही थी इस सैंपल ने क्या किया लाइट को थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया एक केस हो सकता है लाइट पहले सीधी जा रही थी सैंपल ने लाइट को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया और एक केस हो सकता है कि इस सैंपल ने लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट ही नहीं किया है एक लाइट को रोटेट करे दूसरा केस लाइट को रोटेट ना करे अगर कोई भी कंपाउंड लाइट को रोटेट करता है अगर कोई भी कंपाउंड लाइट को रोटेट करता है इसमें हमने ऐसा कंपाउंड रखा जो लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करता है तो हम कहेंगे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कैसा है ऑप्टिकली एक्टिव है ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल दुनिया में मिलने वाले जितने भी कंपाउंड है या तो वो लाइट को रोटेट करेंगे या रोटेट नहीं करेंगे अगर रोटेट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और अगर कोई भी कंपाउंड लाइट को रोटेट नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो दुनिया में मिलने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं जितने भी कंपाउंड्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एक वो जो लाइट को रोटेट करते हैं उनको हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव और जो लाइट को रोटेट नहीं करते उनको हम कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव अब जो लाइट को रोटेट कर रहे हैं ये भी दो टाइप के हो सकते हैं अगर कोई कंपाउंड लाइट को रोटेट कर रहा है और क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है जैसे घड़ी घूमती उस डायरेक्शन में रोटेट करता है उसको हम कहेंगे कि यह कंपाउंड है डेक्स्ट्रो रोटेटरी इसको स्मॉल डी से या पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी या पॉजिटिव कोई कंपाउंड ऐसा है जो लाइट को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको हम कहेंगे कि यह लिवो रोटेटरी है इंटीक्लॉकवाइज रोटेट करता है तो लिवो रोटेटरी स्मॉल एल या निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर किसी कंपाउंड ने लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं किया है तो इसके नॉर्मली तीन कारण होते हैं इन तीनों में से कोई एक कारण होगा जब सैंपल ने लाइट को रोटेट नहीं किया एक कारण तो यह हो सकता है कि हमने जो यहां पर सैंपल लिया था यह सैंपल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सो ही ना करता हो अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सो नहीं करता तो वो लाइट को कभी रोटेट भी नहीं करेगा तो केस वन हो सकता है कंपाउंड कंपाउंड डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो लाइट को रोटेट करेगा ही ठीक है कंफर्म है कि अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता तो लाइट को रोटेट नहीं करेगा पर इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा क्योंकि ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर भी होते हैं जो लाइट को रोटेट नहीं करते हैं ऐसे आइसोमर भी होते हैं जो ऑप्टिकल आइसोमर तो हैं लेकिन ऑप्टिकली इनेक्टिव हैं। हो सकता है दूसरा केस वही रहा हो, हो सकता है हमने यहां पर जो सैंपल लिया हो वो ऑप्टिकली इनेक्टिव ऑप्टिकली इनेक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर हो हो सकता है वो ऑप्टिकली इनेक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर हो और ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनेक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं मीजो या एक तीसरा केस भी हो सकता है हो सकता है कि जो सैंपल हमने लिया हो वो सैंपल प्योर था ही नहीं हो सकता है यहां पर जो हमने सैंपल लिया हो उसमें 50 परसेंट तो ऐसे रहे हो जो लाइट को राइट में घुमा रहे हो और 50 परसेंट ऐसे रहे हो जो लाइट को लेफ्ट में घुमा रहे हो तो अगर आधे लेफ्ट में घुमा देंगे आधे राइट में घुमा देंगे तो ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन जीरो हो जाएगा हो सकता है कि यहां पर जो कंपाउंड लिया था वो प्योर नहीं था बल्कि उसमें दो चीजें मिक्स थी 50 परसेंट डी और 50 परसेंट एल हो सकता है कि हमने जो सॉल्यूशन लिया था वो सोल्यूशन रेसेमिक मिक्सचर रहा हो हो सकता है वो सोल्यूशन रेसेमिक मिक्सचर रहा हो तो इसका मतलब ये है नेचर में तीन टाइप के कंपाउंड हैं। इस पूरे ग्राफ का इंटरफेरेंस देखिए क्या क्या निकला नेचर में तीन कंपाउंड दो टाइप के कंपाउंड हैं। ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव एक्टिव भी दो टाइप के हैं डेक्स्ट्रो और लिवो अगर कोई कंपाउंड लाइट को रोटेट नहीं कर पा रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है लाइट को रोटेट करता है तो एक्टिव है क्लॉकवाइज रोटेट करता है डेक्सट्रो एंटी क्लॉकवाइज लिवो अब ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर भी हैं, जो लाइट को रोटेट करते हैं और ऐसे आइसोमर भी हैं, जो लाइट को रोटेट नहीं करते अगर रोटेट करते हैं तो या तो डी होंगे या एल और अगर कोई ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर है जो लाइट को रोटेट नहीं करता उस ऑप्टिकल आइसोमर को हम कहेंगे मीजो ठीक है अब अगर 50% परसेंट डी और 50% परसेंट एल मिला दिया जाए तो जो सॉल्यूशन बनता है वो होगा रेसेमिक मिक्सचर ये डिवाइस का नाम था पोलराइड और ये पूरा एक्सपेरिमेंट है पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट पोलरीमीटर पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट इसको ड्रॉ कीजिए फिर आगे चलते हैं जब मैं आपको पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट लाता हूं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर फिर किसी भी कंपाउंड को ये चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव तो क्या उसको पोलरीमीटर में रखें फिर चेक करें ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं या कोई आसान तरीका भी हो सकता है तो यस हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव तरीका देखेंगे हम अच्छा ये भी पोलरीमीटर कुछ पोलरीमीटर ऐसा दिखता है एक बड़ी सी ट्यूब होती है और इसमें एक लाइट सोर्स होता है और लाइट सोर्स होता है एक डिवाइस होती है पोलराइड यह सैंपल यहां रखते हैं यहां पर ऑब्जर्वर होता है ऑब्जर्वर से ये चेक करते हैं कि सैंपल ने लाइट को कितने डायरेक्शन में घुमाया है बनाने की जरूरत नहीं केवल यह है कि यह ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिखता है हम बात कर रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा बिना पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट के कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कायरलिटी अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है तो वो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा ध्यान रखिएगा कायरलिटी इज नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होना है देन इट मस्ट बी कायरल केवल कायरल मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं यह नेसेसरी भी है और सफिसियंट भी है नेसेसरी क्यों क्योंकि अगर कायरलिटी नहीं है अगर मॉलिक्यूल कायरल नहीं तो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है और सफिसियंट क्यों क्योंकि अगर आपने कायरलिटी चेक कर लिया तो फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है तो फिर आप कहेंगे अच्छा ठीक है सर यह सब छोड़ो पहले कायरलिटी ही बता दो कि कालिटी क्या है फिर हम ढूंढ लेंगे कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं तो देखो कायरलिटी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी अगर आपको ये चेक करना है मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं तो आपको चेक करना है कि मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं आपको कायरलिटी चेक करनी पड़ेगी फिर क्वेश्चन उठता है कि सर कायरलिटी है क्या एक्चुअली यार जो कायरलिटी वर्ड है ना वर्ड है यह आया है हैंडनेस से जैसे हमारे दोनों हैंड ये एक जैसे दिखते हैं पर एक जैसे है नहीं है ना अगर मैं इस हाथ को इसके ऊपर रखूं दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं रहे हैं एक जैसे नहीं है मान लीजिए कोई पेशेंट है उसके दोनों हाथ कट गए हैं वो डॉक्टर के पास जाएगा और जब डॉक्टर उसके दोबारा हाथ सिल रहा होगा ना तो क्या देखेगा कि उसका लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड पे लगे राइट हैंड राइट साइड पे लगे हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कायरल हैं बस हमें पता नहीं चलता कि अच्छा ये कायरल है हमने उसको देखा नहीं कभी इस नजर से कि ये कायरल है या कायरल जैसे हमारे पैरों के जूते दोनों जूते एक जैसे दिखते हैं पर फिर भी अलग हैं लेफ्ट वाला हम लेफ्ट में पहनते हैं राइट वाला राइट में पहनते हैं ठीक है थीके? तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कायरल है एक्चुअली कायरलिटी का मतलब नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी ऑफ मिरर इमेज है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी मिरर इमेज को पूरी तरह से ढकता नहीं है तो उसको हम कहेंगे ये कायरल है जैसे हमारे दोनों हाथ अगर मैं यहां पर मिरर लगा दूं तो इमेज ऐसी बनेगी और मैं इसको ले जाके इसको ऊपर रखूंगा ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं रहे हैं इसका मतलब हमारे हैंड्स कायरल हैं और कोई भी मॉलिक्यूल जो हमारे हाथों की तरह एक दूसरे को अपनी मिरर इमेज को पूरी तरह से ढकेगा नहीं वो कायरल होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा फिर आप कहेंगे सर ऐसे तो हमें जब भी कोई मॉलिक्यूल लेंगे उस मॉलिक्यूल की मिरर में कैसा दिखता है वो वाली इमेज बनानी पड़ेगी पहले मॉलिक्यूल लिया पेपर पे ड्रा किया फिर इमेजिन किया कि अच्छा अच्छा ये मिरर में कैसा दिखेगा फिर मिरर में जैसा दिखेगा वैसी इमेज बनाई फिर उस इमेज को उठाया ओवरलैप किया सर ये भी थोड़ा सा टफ पड़ेगा कि इमेज बनाओ फिर कुछ और आसान तरीका हो सकता है बिल्कुल हो सकता है अगला तरीका है आपको देखना है अबसेस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट आपको यह देखना है कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट होने चाहिए फिर आप कहेंगे सर पहेलियों पे पहेलिया ही बुझा रहे हो कभी, हो, देखो, कभी कहते हो मिरर इमेज को नाम सुपर इंपोजिबल करो आप कह रहे हो कि सिमेट्री एलिमेंट देखो पहले ये बताओ सिमेट्री एलिमेंट है क्या यहां पर दो सिमेट्री एलिमेंट है एक प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑफ ऑफ एंड सेंटर सिमेट्री दोनों ही अपसेंट है दोनों ही अपसेंट है, है तो ऐसा मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज को नॉन सुपर इंपोज मिरर इमेज को पूरी तरह से ढकेगा नहीं नहीं ढकेगा तो कायरल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो अगली बार से यार ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए केवल एक चीज देख लेना पीएएसएस अपसेंट सर अगर पीयूएस और सीएस में दोनों एक भी प्रेजेंट हुआ तो तो फिर उसमें प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट हो जाएगा और अगर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज कर लेगा पूरी तरह से ढक लेगा तो फिर वो अकाइरल होगा और फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव की जगह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा तो ऑप्टिकली एक्टिव देखना है तो ये देखना कि पीओएस एंड सीएस बोथ मस्ट बी अपसेंट नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं ठीक है जैसे कुछ मॉलिक्यूल लेकर देखते हैं यार कुछ मॉलिक्यूल लेकर देखते हैं कि क्या यह मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज को पूरी तरह से ढक पाएगा ठीक है तो यहां पे देखो यह मॉलिक्यूल है टू है यह इसकी मिरर इमेज है तो यह इसकी मिरर इमेज को पूरी तरह से ढक रहा है और अगर पूरी तरह से ढक रहा है तो यह मॉलिक्यूल अकाइरल है अब अगर आपको मिरर इमेज नहीं देखना है तो आप केवल यह देख लीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री इमेजनरी प्लेन इमेजनरी प्लेन विच डिवाइड मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ कोई भी ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं कोई भी ऐसा प्लेन जिस प्लेन से पास करने पर जिस प्लेन से कट करने पर मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए वो प्लेन ऑफ सिमेट्री अब देखो इस मॉलिक्यूल में अगर मैं इसको यहां से कट करूं तो ये लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों इक्वल पार्ट बन जाएंगे ये का ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन तो पूरी तरह से कट ही जाएगा इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसीलिए ये अपनी मिरर इमेज को पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है ठीक है ना तो ये बनाइएगा मत ये केवल समझाने के लिए है कुछ और मॉलिक्यूल देखते हैं जैसे ये मॉलिक्यूल देखिए ये कार्बन है इससे दो हाइड्रोजन लगे हैं क्लोरीन लगा है अगर इसकी मिरर इमेज को देखें तो यह अपनी मिरर इमेज को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा ठीक है इसको हम एक मॉडल के थ्रू समझते हैं जैसे देखिए हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना ये दो मॉलिक्यूल हैं। ये एक्चुअली टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है इस तरह से ध्यान से देखिएगा ये ये बिल्कुल ऐसा है कि ये दो हाइड्रोजन लगे हैं ऑरेंज वाला दो हाइड्रोजन लगे हैं ऑरेंज वाला सामने की तरफ ये सामने की तरफ ठीक है ये हाइड्रोजन ऑरेंज सामने की तरफ और ग्रीन वाला पीछे की तरफ देखिए दूसरा मॉलिक्यूल इसकी मिरर इमेज है तो इसकी मिरर इमेज बिल्कुल कैसी दिखेगी ये कुछ इस तरह से देखिए दोनों ये दोनों ये देखिए दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं हैं दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और ये कैसे मिरर इमेज है जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करूं तो ये देखिए सभी फ्रंट वालों ने बैक वालों को पूरी तरह से ढक लिया है हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन ऑरेंज के पीछे ऑरेंज ग्रीन के पीछे ग्रीन राइट तो सभी फ्रंट वालों ने बैक वालों को पूरी तरह से ढक रखा है तो अब यह मॉलिक्यूल भी अकायरल होगा ये मॉलिक्यूल भी कायरल नहीं है लेकिन अगर हम एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लें अगर हम एक ऐसा मॉलिक्यूल लें, जो अपनी मिरर इमेज को पूरी तरह से ढकता नहीं है जैसे यहां पर देखिए इस बार कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है ठीक है कार्बन से लगे चारों ग्रुप डिफरेंट है अब देखिए यहां पे अगर आप इन दोनों को देखेंगे ठीक है ना तो आपको ये दोनों साफ दिख रहे होंगे कि दोनों ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं राइट से देखिए दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं है मिरर इमेज यहां पर मिरर लगा दूं तो ऐसी इमेज बनेगी लेकिन अब मैं इसको अगर घुमा करके ओवरलैप कराऊं तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप नहीं करते व्हाइट के पीछे व्हाइट ऑरेंज के पीछे ऑरेंज लेकिन ग्रीन और इधर ग्रीन है इधर पर्पल इधर पर्पल और ग्रीन तो अब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो पूरी तरह से एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते और अगर ओवरलैप नहीं करते तो अब ये मॉलिक्यूल कायरल होंगे ये मॉलिक्यूल कायरल है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है आसान ये तीनों एग्जाम्पल तो केवल समझाने के लिए था इसको लिखिएगा नहीं नोट यहां से कीजिएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है तो बिल्कुल आसान कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ऐसा प्लेन है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कह देंगे वो कहीं से भी पास हो सकता है एटम्स के बीच से पास हो सकता है मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स के बीच में पास हो सकता है कहीं से भी पास कर दो बस ऐसा हो जो मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो उसको हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहां पर सीएल हाइड्रोजन पीएल हाइड्रोजन अब देखिए इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं तो अब अगर हम इस मॉलिक्यूल को यहां से कट करते हैं तो ये इस तरह से डिवाइड होगा कि अगर मैं यहां पर एक मिरर लगा दूं तो लेफ्ट वाला राइट right वाला दोनों एक दरअसल एक दूसरे के इक्वल इक्वल है यहां पर मिरर लगा दें तो पूरा मॉलिक्यूल दिखने लगेगा यहां से कट करने पर लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट एग्जैक्टली सेम है तो ये जो प्लेन है इसको सिग्मा प्लेन या इसी को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं और मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा अब दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये वाला सिस्टा यहां पर हाइड्रोजन यहां पर हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन अब देखिए क्या यहां से कट करने पर क्या यह प्लेन प्लेन आप सिमेट्री है आप कहेंगे नहीं सर यहां आ रहा है यहां हाइड्रोजन कुछ लोग कहते हैं कि सर एक काम करो इसको डायगोनली ऐसे कट कर दो तो यार डायगोनली कट करने पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब था कि अगर यहां पर सीएल था मिरर में देखते सीएल यहां दिखता लेकिन सीएल तो यहां है तो डायगोनली भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्या इस मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो यस इस मॉलिक्यूल में स्लाइस वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है अगर कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल है और इसको इसके मॉलिकुलर प्लेन में ही कट कर दिया जाए अगर हम इसको इस तरह से कट करें क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है प्लेनर है और प्लेनर मॉलिक्यूल को अगर हम इस तरह से कट करें तो ये ऐसे कट होगा कि ये सीएल हाइड्रोजन ये कार्बन ये कार्बन ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये सारे के सारे एटम इस तरह से कट होंगे जैसे जब बचपन में आप क्रिकेट खेलते थे तो कॉस्को की बॉल होती थी ना टेनिस की बिल्कुल दो टुकड़े बन जाते थे ठीक ऐसे यहां पे हर आइटम ऐसे कटेगा कि आधा आइटम बोर्ड के आगे और आधा आइटम बोर्ड के पीछे ठीक वैसे जैसे आप एप्पल को काटते हैं ना दो इक्वल हाफ में तो वैसे कट जाएगा ठीक है यार ये कुछ ऐसा है जैसा मान लो आपके पास चीज सैंडविच है और आपको एक, आपके पास एक सैंडविच था है ना आपके पास एक चीज सैंडविच है इस चीज सैंडविच में इस तरह से दो ब्रेड हैं, है ना और तो यार इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो आप कहोगे सर यहां काट सकते थे ऐसे या एक तरीका और है कि सैंडविच को ऐसा काटा कि ये आगे वाली ब्रेड आगे की तरफ और पीछे वाली ब्रेड पीछे की तरह इस तरह से काटा कि एक ब्रेड पूरी इधर है और एक ब्रेड पूरी इधर तो भी तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है तो हर प्लेनर मॉलिक्यूल में एक स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर होती है ठीक है चलिए इसको मैं मॉडल एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से इसमें स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री है जैसे आपके पास मॉलिक्यूल है दो कार्बन है और दोनों कार्बन से लगे हुए क्लोरीन और हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जैसे देखिए यहां पर देखिए यहां पे दोनों क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में है ये ट्रांस है है ना अगर मैं इसको अगर मैं इसको यहां से कट करता हूं तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है लेकिन अगर मैं इसको यहां से कट कर देता हूं यहां से आरीली यहां से कट कर दिया तो ये सारे के सारे ऐसे कटे कि आधे आधे इधर आ गए आधे उधर चले गए सारे ऐसे कट गए ऐसे ठीक है तो इसमें प्लेन आप सिमेट्री होगी अगर मान लो वाला होता, जिसमें दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो इसमें एक ये वाली प्लेन आप सिमेट्री होती जब यहां से काटते और यहां से काटते तो इसमें एक पीओएस है और स्लाइस वाला भी है एक स्लाइस भी है यहां पर स्लाइस वाली पीओएस है ठीक है पीओएस तो है चाहे स्लाइस वाली हो या कैसी भी और अगर पीओएस है तो यह मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है इनफैक्ट अगर कोई भी मॉलिक्यूल प्लेनर है प्लेनर मॉलिक्यूल वो जो आपके बोर्ड पे या हाथ पे पूरा का पूरा ऐसा आए कि सारे एटम एक प्लेन पे आ जाए सारे एटम एक प्लेन पे आ गए सारे एटम एक प्लेन पे आ गए तो ये सारे एटम अगर एक प्लेन पे आ गए तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है और अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उसमें कभी भी अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उसमें पक्का है कि स्लाइस वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी और यही रीजन है इवरी प्लेनर मॉलिक्यूल इसली है प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उसमें पक्का है प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ही होगी ठीक है मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट इफ इट इज स्लाइसड फ्रॉम मॉलिकुलर प्लेन अगर इसके मॉलिकुलर प्लेन से हम कट करें तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और यही रीजन है कि प्लेनर मॉलिक्यूल कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं देख लीजिएगा प्लेनर मॉलिक्यूल ऑलवेज ऑप्टिकली इनेक्टिव कभी भी कोई प्लेनर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो वो हमेशा ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा ठीक है चलिए और एग्जांपल लेते हैं ये दो ऑप्टिकली इनेक्टिव हैं और मॉलिक्यूल लेते हैं जैसे ये मॉलिक्यूल सी एस थ्री एच सी एस थ्री एच क्या इसमें प्लेन ऑफ है यस अगर मैं इसको यहां से कट करता हूं तो यह सिग्मा प्लेन है यह मॉलिक्यूल इधर लेफ्ट और राइट पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा इसमें भी पीओएस है और यह भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है चलिए तो और मॉलिक्यूल लेते हैं अगर थ्री एच दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है अब अगर आप इसको यहां से कट करेंगे तो यहां से कट करने पर ये इक्वल पार्ट में नहीं होगा तो इस मॉलिक्यूल में पीओ नहीं है ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है ठीक है चलिए नोट कीजिए फिर इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं चलिए तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हो गए थे फाइव अब ये मॉलिक्यूल देखिए ये टार्ट्रिक एसिड है ठीक है ना क्या कॉमन नेम है इसका टार्ट्रिक एसिड क्या इसमें कोई ऐसा प्लेन है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे यस yes. अगर हम इसको यहां से कट करें तो इसमें सिग्मा प्लेन सिग्मा प्लेन मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिग्मा प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो यस yes, इस मॉलिक्यूल में पीओएस है और अगर पीओ एस है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है और एग्जांपल देखिए सी डबल ओ एच सी डबल ओ एच 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 ओ एच एच अब इस मॉलिक्यूल में यह मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा पीओ नहीं है तो यह ऑप्टिकली एक्टिव होगा ध्यान रखिएगा यहां पे यह कार्बन sp3 थ्री हाइबिडाइज है कार्बन sp3 थ्री हाइबिडाइज है ट्रेट्राइड्रल कार्बन है और इसलिए यह मॉलिक्यूल आपको प्लेनर नहीं है यह कार्बन sp3 थ्री हाइबिडाइज है ट्रेट्राइड्रल मॉलिक्यूल है यह नॉन प्लेनर होगा और एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल करके देखते हैं जैसे ये सी एस थ्री एच सी एस थ्री एच अब इस मॉलिक्यूल में अगर देखें अगर हम इसको यहां से डिवाइड करें तो ये सिग्मा प्लेन है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इसमें पीओएस है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है और भी एग्जाम्पल लेते हैं जैसे यहां पे सीएल है यहां पे सीएल है अब इस मॉलिक्यूल में देखिए अगर हम इसको यहां से कट करते हैं तो एक सिग्मा प्लेन है और जब इसको यहां से कट करेंगे तो भी इसमें सिग्मा प्लेन है क्योंकि जब यहां से पास करें तो जो सीएल फ्रंट में था वो भी आधा कट गया जो सीएल बैक में था वो भी कट गया तो इस मॉलिक्यूल में भी पीओएस है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है इनफैक्ट अगर मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें यहां पर एक सीएल फ्रंट में है और यहां पर एक सीएल बैक में है अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है बिल्कुल अगर आप यहां से कट करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं क्योंकि ये सूप, ये सीएल आगे की तरफ है ये सीएल पीछे की है लेकिन अगर आप इसको इस प्लेन से कट करें तो आप इस प्लेन से कट कर रहे हैं ये पूरा इस प्लेन से तो जो सीएल आगे की तरफ निकला था वो भी आधा कट गया जो पीछे की तरफ जा रहा था वो भी कट गया ध्यान सुनिएगा जितने एटम इस प्लेन में आएंगे वो तो सारे आधे आधे कट जाएंगे चाहे वो ये कार्बन हो ये क्लोरीन ये कार्बन ये क्लोरीन तो हम इनको तो कंसीडर करेंगे ही नहीं इधर बचा सीएस टू सी एस टू इधर भी बचा सीएस टू सी एस टू तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया मतलब पीओएस है और अगर पीओएस है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है और एग्जाम्पल देखते हैं जैसे यहां पे सीएल है यहां पर सीएल यहां पर सीएल है फिर ये सीएल फिर ये सीएल सॉलिड में और ये सीएल डैश में अब क्वेश्चन है कि क्या सर इस मॉलिक्यूल में पीओ एस है तो यहां से देखिए अगर मैं इसको यहां से काटता हूं तो ये और ये और ये और तो आधे कट गए इधर इधर कार्बन फ्रंट में भी फ्रंट में इधर बैक में इधर बैक में, में तो यस ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है अगर मैं इसको यहां से कट करता हूं तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है अगर मैं इनफैक्ट इसको यहां से कट करता हूं तो एक दो और तीन यस इस मॉलिक्यूल में पीओएस है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है इसमें तो तीन तीन पीओएस है अगर आपको एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए अगर किसी मॉलिक्यूल में एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो आप कहेंगे यस ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री एब होना चाहिए ठीक है चलिए नोट कीजिए इसको फिर आगे चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं जैसे ये मॉलिक्यूल है इलेवेन ट्वेल्व कुछ और एग्जांपल लेते हैं अब देखिए इलेवेंथ मॉलिक्यूल में अगर देखें यहां पे अगर मैं इसको यहां से कट करता हूं तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है बिल्कुल नहीं यहां पे सीएल यहां पे सीएल लेकिन यहां पे सीएल नीचे है यहां ऊपर है तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इनफैक्ट अगर मैं यहां से कट करता हूं तो ये भी प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ऊपर सीएल नीचे वाले में था यहां ऊपर है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा इनफैक्ट इस मॉलिक्यूल को आप कहीं से भी कट कर लो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा इस मॉलिक्यूल में पीओएस नहीं है दैट्स मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव यहां पर देखिए आप इसको यहां से कट करेंगे तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और अगर यहां से करने पर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इस मॉलिक्यूल में पीओएस है पीओ है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है नेक्स्ट देखिए अगर हमारे पास सी एच ओ सी एस टू ओ एच एच ओ एच एच और ओ OH, एच इस मॉलिक्यूल में देखें अगर आप यहां से कट भी करते हैं तो ये ओ एच ओ एच तो ओवरलैप कर लेंगे लेकिन ऊपर सी एच ओ है नीचे सी एस टू ओ एच है तो ये वाला प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है आपने यहां से कट किया तो इधर एच है इधर ओ OH एच है ये भी प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इस मॉलिक्यूल में पीओएस एस नहीं है मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा एक और एग्जांपल देखते हैं मान लीजिए हमारे पास सी एच ओ है थ्री है यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन है अब इस मॉलिक्यूल में प्लेन सिमेट्री है या नहीं तो देखिए अगर हम इसको यहां से कट करते हैं तो ये सी एच ओ आधा कट जाएगा सी एस थ्री भी आधा कट जाएगा इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन तो यस इस मॉलिक्यूल में पीओ है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है जैसे एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं सी एस टू ओ एच सी एस टू ओ एच यहां पर दोनों एच हैं। अब इस बार अगर आप यहां से कट करते हैं यहां से तो नीचे भी टू एच उधर पर भी सी एस टू एच यस इस मॉलिक्यूल में पीओएस है और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है यहां से भी कट करने पर ये सी एस टू एच सी एस टू एच दोनों आधे आधे कट जाएंगे इधर दो हाइड्रोजन तो ये सारे मॉलिक्यूल जिनमें पीओ एस है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे नोट कीजिए ध्यान रखिएगा एस टू एच एम सारे प्लेन में एक ही प्लेन में आ जाएंगे सी एच ओ सी एस थ्री एक प्लेन में आ जाएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब यार देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है किसी भी मॉलिक्यूल का अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ऐसा सेंटर है जिस सेंटर से इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर सेम डिस्टेंस पे सेम एटम मिलता है तो उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं अब एक बात समझिए हर मॉलिक्यूल में सेंटर तो होगा ही होगा हमें केवल यह चेक करना है कि जो सेंटर है वो सेंटर सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है सेंटर तो हर किसी में होगा हमें केवल क्या देखना है कि वो सेंटर सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है अच्छा एक बात समझिए मोलिक्यूल में किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा हो सकते हैं हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में एक से ऐसे एक से ज्यादा ऐसे प्लेन हो जो मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री केवल एक ही होता है क्या करेंगे सेंटर से इक्वल और अपोजिट मतलब 180 डिग्री पर इक्वल और अपोजिट डिस्टेंस पे जाएंगे सेम डिस्टेंस जाने पर सेम एटम या सेम ग्रुप मिलता है तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री है जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करता हूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहां पर सी एल एच सी एल एच ये वाला मॉलिक्यूल है ट्रांस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सीएल एल एच एच ये है सिस और ये है ट्रांस ठीक है ना ध्यान रखिएगा अगर इसमें हम एक इमेजनरी लाइन खींचे ठीक है तो लाइन के अपोजिट डायरेक्शन पे सेम डिस्टेंस पे सेम एटम आएंगे तो चलो यहां पे इमेजनरी लाइन खींच के देखते हैं जैसे ये वाली लाइन खींची ठीक है ये वाली लाइन खींची या इक्वल और अपोजिट डिस्टेंस पे सेम एटम आ रहे हैं आप कहेंगे बिल्कुल सर कार्बन आ रहा है सेम डिस्टेंस पे फिर इधर तो हो गया ठीक है अब इधर इमेजिनरी लाइन खींची जो दोनों से पास हो रहा है क्या सेंटर से इक्वल और अपोजिट पर सेम एटम आ रहा है यस सर आ रहा है बिल्कुल यहां पर एक लाइन खींची क्या सेंटर से इक्वल और अपोजिट पर सेम एटम आ रहा है आप कहेंगे बस तो आप कहीं से भी लाइन खींच दें कहीं से भी सेंटर से होती हुई लाइन खींचे अगर तो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन जाने पर सेम डिस्टेंस पे सेम एटम आ रहा है और अगर सेम डिस्टेंस पे सेम एटम आता है तो हम कहेंगे कि यस मॉलिक्यूल में सीओ एस प्रेजेंट है सीओ एस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा यहां पर देखिए इस मॉलिक्यूल से इधर तो सेम डिस्टेंस पे सेम एटम है लेकिन अगर इधर खींचे तो ऊपर सी है नीचे एच है मतलब इस मॉलिक्यूल में सीयूएस नहीं है लेकिन इसमें पी था ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं ही होगा ठीक है अभी हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की और देखिए ये है साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल ठीक है ना इससे एक लाइन खींचो किसी भी एटम से और वो लाइन कहां से गुजरे सेंटर से और सेम डिस्टेंस पे सेम एटम आए तो चलो एक लाइन खींचते हैं देखो ये लाइन खींची अब सेंटर से ऊपर गए सीएस टू मिला क्या नीचे ही उतनी डिस्टेंस जाने पर सीएस टू मिल रहा है नहीं मिल रहा है यहां से लाइन खींची यहां सी एस टू मिला इधर सी एस टू नहीं मिल रहा है यहां लाइन खींची यहां सी एस टू मिल रहा है अपोजिट में सीएस टू नहीं इक्वल और अपोजिट डिस्टेंस पे जाने पर सेम डिस्टेंस पे अगर यहां पे CS2 टू मिल रहा है लेकिन नीचे CS2 टू नहीं मिल रहा है यहां सी टू मिल रहा है लेकिन लाइन के इधर गए सी टू नहीं मिल रहा है यहां पर CS2 मिल रहा है लेकिन इधर सी टू नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में सीओ एस सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इनफैक्ट कोई भी ऐसी रिंग जिसमें ऑड नंबर ऑफ एटम है उसमें कभी सीओ एस हो ही नहीं सकता लिख सकते हैं हम यहां पर एक पॉइंट ऑड नंबर ऑफ एटम कंटेनिंग रिंग कैन नॉट हैव सीओ एस इसमें कभी हो ही नहीं सकता लेकिन मान लो अगर साइक्लोब्यूटेन है तो यहां पे बिल्कुल सीओएस है सेंटर से आप कहीं पर भी लाइन खींचो जैसे यहां देखो यहां पर सीएस टू अपोजिट में सी एस टू यहां पर सी एस टू इधर भी सी एस टू तो इस मॉलिक्यूल में इस मॉलिक्यूल में सीयूएस है ठीक है लाइन खींचिए इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जाइए सेम मिला CUS है, एटम नहीं मिला सी ओ एस नहीं है सेंटर से इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जाइए यहां है इसका इधर गए इसका अपोजिट इधर थोड़ी होगा इसका अपोजिट इधर होगा जैसे यहां पे आए थे इसका अपोजिट ये था ये थोड़ी था ठीक है चलिए नोट कीजिए फिर और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और इनमें देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है चलिए पहले इनको देखते हैं अब यहां पर देखो यार ये सेंटर है है ना सेंटर से ऊपर गए सीएल मिला नीचे भी सीएल इधर नीचे हाइड्रोजन इधर ऊपर हाइड्रोजन इधर जाओ तो सी टू नीचे कहीं पर भी आप चले जाओ इक्वल डिस्टेंस जाने पर सेम एटम मिलेगा तो हम कहेंगे यस इस मॉलिक्यूल में सीओ है और अगर सीओ है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है यहां पर देखिए सेंटर से ऊपर गए सी एस थ्री नीचे हाइड्रोजन इधर नीचे हाइड्रोजन ऊपर सी एस थ्री तो इस मॉलिक्यूल में सीओ एस नहीं है पर देखो लाइन खींची, तो इक्वल और अपोजिट पर बी आर मिल गए यहां पर ऊपर गए बी आर नीचे बी आर देखो इधर ऊपर सीएस थ्री नीचे सीएस थ्री कहीं पर भी आप इक्वल अपोजिट पे चले जाओ सेम डिस्टेंस पर सेम एटम है तो इस मॉलिक्यूल में सीओ एस है यहां पर देखो तो यहां पे सेंटर है ऊपर गए सी O एच नीचे सी O एच इधर ऊपर एच नीचे एच लेकिन इस बार यहां पर नीचे गए पीएच मिला लेकिन इधर ऊपर जाने पर पीएच नहीं मिला है ठीक है इक्वल अपोजिट पर सेम मिलना चाहिए और हर तरफ से मिलना चाहिए इधर मिल गया लेकिन इधर नहीं मिला तो फिर सीयूएस नहीं है सीयूएस सेंटर से कहीं पर भी चले जाओ हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम एटम इसमें सीयूएस नहीं है ठीक है चलिए और एग्जांपल लेते हैं इसमें देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं तो यार ये सेंटर है इधर गए ऊपर सीएल नीचे सीएल नीचे सीएल ऊपर सीएल नीचे सीएल ऊपर सीएल कहीं पर भी चले जाओ सेम डिस्टेंस पर सेम एटम है इस मॉलिक्यूल में सीओ है एक लास्ट एग्जांपल करके देखते हैं ये मॉलिक्यूल है बताइए इसमें सीओ है या नहीं तो यार ये सेंटर है है ना अब आप इधर गए तो सीएल मिला ऊपर इधर नीचे लेकिन यहां पर आप ऊपर जाते हैं तो सीएल और इधर नीचे इधर ऊपर जाने पर फ्रंट में सीएल लेकिन नीचे जाने पर भी फ्रंट में ही सीएल है नीचे जाने पर बैक में सीएल होना चाहिए था यहां पे बैक में आप पीछे गए हैं तो पीछे गए हैं तो इस बार किधर जाएंगे सामने जाएंगे तो इस बार सामने नहीं बल्कि पीछे सीएल है इसलिए इसमें भी सीओ नहीं होगा ठीक है अब ध्यान रखिएगा किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी पीओएस एंड सीओएस बोथ मस्ट बी एबेंट अगर दोनों में से एक भी प्रेजेंट हो गया तो मॉलिक्यूल कभी ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता बिल्कुल आसान सी बात है नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट है कायरल एटम यार अभी हमने कायरल मॉलिक्यूल देखा है और अब हम देखने वाले हैं कायरल एटम अच्छा कायरल एटम को ही असमेट्रिक सेंटर भी कहते हैं चाहे कायरल एटम कहो कायरल कार्बन का हो असमेट्रिक सेंटर कहो असमेट्रिक एटम कहो असमेट्रिक कार्बन कहो एक ही बात है इसी को कायरलिटी सेंटर या इसी को स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं सबका मतलब एक है मैं यहां पर असोमेट्रिक सेंटर टर्म यूज करने वाला हूं अगर कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिख जाए कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल दिख जाए एक्स जिससे लगे हुए चारों ग्रुप ई e, डिफरेंट हो और अगर ये एक्स sp3 थ्री हाइब्रिडाइज्ड हो sp3 थ्री हाइब्रिडाइज यानी ये टेट्राहेड्रल हो sp3 वाला टेट्राहेड्रल होता है पता ही है आपको और इससे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएं है ना a मस्ट नॉट इक्वल टू b b मस्ट नॉट इक्वल टू d d मस्ट नॉट इक्वल टू e ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएं x sp3 हो जाए a b d और e इक्वल e नहीं हो तो ये एटम कायरल होगा और कायरल एटम को हम एस्टरिस्क या स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से स्टार बना देते हैं अच्छा ये जो एटम है एक्स ये एक्स इक्वल टू कुछ भी हो सकता है कार्बन हो सकता है नाइट्रोजन हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है सल्फर फास्फोरस कोई भी एटम हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा एबीडी ई जो है एबीडी ई मे आइसोटोप जैसे अगर एक हाइड्रोजन है एक ड्यूटीरियम है ठीक है तो ए बी डी ई मे बी आइसोटोप भी हो सकते हैं अगर एक हाइड्रोजन है ड्यूटीरियम है ट्राइटियम है तो तीन अलग अलग हैं। एक कार्बन ट्वेल्व है एक कार्बन फोर्टीन है तो वो डिफरेंट ग्रुप काउंट होंगे वो सेम नहीं है ठीक है आइसोटोप्स को भी हम डिफरेंट मानते हैं यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा वन में भी लोन पेयर वन में भी लोन पेयर ठीक है ई में से कोई एक लोन पेयर भी हो सकता है ठीक है एबीडी में से कोई एक लोन पेयर भी हो सकता है लेकिन जब इज इक्वल टू लोन पेयर हो तो एक्स इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन होंगे तो ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड एलिमेंट में अगर लोन पेयर हो गया नाइट्रोजन तीन ग्रुप अलग लगे हैं एक लोन पेयर तो फिर उसको कायरल में काउंट नहीं करेंगे रीजन देखेंगे आगे क्यों बट नाइट्रोजन है तो नहीं अच्छा अगर एक्स इक्वल टू फॉस्फोरस सल्फर या क्लोरीन होता तो थर्ड पीरियड वाले में हो सकता है ठीक है अब ये कंडीशन है कंडीशन नोट कीजिए फिर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे पहले कंडीशन लिख लीजिए आसान सी कंडीशन है एक एटम से लगे चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएं तो काइरल। जैसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कुछ मॉलिक्यूल ले रहा हूं इनमें से आपको काइरल एटम आइडेंटिफाई करना है ठीक है तो ये कुछ मॉलिक्यूल हैं और इन मॉलिक्यूल्स में हमें कायरल आइटम आइडेंटिफाई करना है अब देखिए एक सीएस थ्री है और यहां पर भी ये सीएस थ्री है तो इस कार्बन से लगे हुए दो ग्रुप सेम हो गए ये दोनों सीएस थ्री है और एक हाइड्रोजन है तो दो ग्रुप सेम हो गए तो इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है हम कहेंगे असमेट्रिक सेंटर इक्वल टू डी जीरो मोलिक्यूल में देखिए तो ये कार्बन है इससे क्लोरीन हाइड्रोजन एक सी और एक सी एस लगा है तो इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है तो असमेट्रिक सेंटर इक्वल टू वन यहां पे ये कार्बन इससे दोनों सी एस थ्री इस कार्बन से दोनों सी एस थ्री तो असमेट्रिक सेंटर इक्वल टू जीरो यहां पर देखिए ये कार्बन है बट इस कार्बन से दोनों सीएस थ्री लगे हैं ये कार्बन है इससे एक एच एक सी एस थ्री एक एच है एक सी एस थ्री है एक ये वाला आइसोप्रोपाइल है और एक ये है तो ये चारों डिफरेंट हैं, तो अगर चारों डिफरेंट हैं, तो ये कार्बन काइरल होगा इस वाले तो कार्बन से देखिए सीएस थ्री है एच है एक ये आइसो प्रोफाइल और एक ये तो इससे भी चारों डिफरेंट है चारों डिफरेंट है तो अब ये वाला भी असमेट्रिक सेंटर होगा लेकिन इस कार्बन से दोनों लगे हुए ग्रुप सी एस थ्री है और इसलिए इस मॉलिक्यूल में असमेट्रिक सेंटर इक्वल टू टू अब यार ये दोनों मॉलिक्यूल एक्चुअली सेम ही हैं ये दोनों मॉलिक्यूल सेम ही हैं डिफरेंस केवल यह है कि यहां पे सॉलिड और डैश बना दिया है बस ये सी एस थ्री ये सी एस थ्री यहां पर सी एस थ्री यहां पर सी एस थ्री ये सी एस थ्री ऑनलाइन फॉर्मूला है सॉलिड डैश अब इस कार्बन से दोनों सी एस थ्री है इस कार्बन से अगर एक सी एस थ्री फ्रंट में हाइड्रोजन बैक में यहां पर सीएस थ्री बैक में तो हाइड्रोजन फ्रंट में यहां पे सी एस थ्री बैक में फ्रंट में, में हाइड्रोजन बैक में तो इस मॉलिक्यूल में अगर देखें तो एक तो ये कार्बन का आयरल है और एक ये कायरल कार्बन है सो ऑसोमेट्रिक सेंटर इक्वल टू हो जाएगा नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं चलिए तो कुछ और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं जैसे सी डबल ओ एच एच ओ एच कितने एग्जाम्पल हो गए थे टोटल फाइव ये है सिक्स एच ओ एच ओ एच ठीक है चलिए और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं मॉलिक्यूल में कितने कायरल एटम हैं ठीक है तो अब देखो सिक्स एग्जाम्पल में देखो यहां पे ये कार्बन है और इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है एक सी डबल ओ एच है एच OH तो ये एटम कायरल है यहां पर देखिए ये कार्बन है इससे एक ओ OH एच लगा है एच सी डबल ओ एच और एक ये पूरा है तो यार चारों ग्रुप डिफरेंट है तो ये कायरल है सिमिलरली नीचे वाले कार्बन से देखें एच ओ एच ओ एच सी एच और एक ये पूरा तो चारों ग्रुप डिफरेंट है तो इसमें दो कायरल एटम है अब इस मॉलिक्यूल में कायरल एटम भी है और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है तो कायरल एटम और कायरल मॉलिक्यूल दो अलग अलग चीजें हैं एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कायरल एटम तो है पर यह मॉलिक्यूल कायरल नहीं है कायरल मॉलिक्यूल मतलब पीयूएस यूएस अबसेंट होना कायरल एटम मतलब जिससे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट हों ध्यान रखिएगा कायरल एटम कायरल मॉलिक्यूल ये दो अलग अलग बातें हैं यहां पर देखिए इस कार्बन से एच ओ एच सी एच ओ और एक ये पूरा तो ये कायरल एटम ये वाला देखिए एच ओ एच सी एस टू एच और एक ये पूरा नीचे ये वाला कार्बन देखिए एच ओ एच एक बार ये सी एच ओ वाला और एक सी एस टू एच वाला तो इसमें ऑसमेट्रिक सेंटर इक्वल टू हो जाएंगे कितने हो जाएंगे थ्री यहां पर देखिए ये तो sp2 कार्बन है sp2 कार्बन तो कायरल हो ही नहीं सकता तो इसमें ऑसमेट्रिक सेंटर इक्वल टू एक ही है केवल ये वाला एच सी एस थ्री सी एल और ए पे टेंथ वाले में बहुत सारे लोग कह रहे हैं देखो सर सल्फर sp2 टू है अरे ध्यान से देखिए इस बार सल्फर के पास लोन पेयर है और किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी मॉलिक्यूल के एटम में सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की वैल्यू अगर sp4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा यहां पर यार एक डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई और एक लोन पेयर तो सल्फर के पास देखिए तो एक दो तीन सिग्मा है और एक लोन पेयर है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यह है कि ये सल्फर sp3 थ्री हाइब्रिडाइज्ड है और इससे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट भी है थर्ड पीरियड का भी है एक सी एस थ्री एक सी एस थ्री लगा है एक सी एस टू सी एस थ्री लगा है एक ऑक्सीजन एक लोन पेयर तो यस अब ये सल्फर कायरल है कायरल इटम है इसमें असमेट्रिक सेंटर वन यहां पे ये कार्बन है ये तो यार sp2 टू हाइब्रिडाइज डी है इसलिए यहां पर असमेट्रिक सेंटर जीरो होंगे नोट कीजिए आगे चलते हैं चलिए और एग्जांपल देखते हैं एस डबल बॉन्ड ओ डी एल टी स्थ्री एन एच एम ई टी लोनपेयर चलिए ट्वेल्थ एग्जाम्पल देखिए यार यहां पे फिर से सल्फर लोन चारों ग्रुप डिफरेंट तो ये भी सेंटर है और इस कार्बन से सी एल एच सी एस थ्री और सल्फर तो इसमें आसोमेट्रिक सेंटर इक्वल टू टू यहां पर यार ओपन चेन का नाइट्रोजन है अब ओपन चेन के नाइट्रोजन में प्रॉब्लम यह है कि यहां पर होती है फ्लिपिंग फ्लिपिंग के कारण जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऊपर था वो लोन पेयर आ जाएगा नीचे ये एच एम और ET चले जाएंगे ऊपर तो अब फ्लिपिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी तो ये वाला इसमें कन्वर्ट होता रहेगा और अगर ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं तो जितना ये मिलेगा 50 परसेंट ये मिलेगा ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है यहां मिरर लगा दो बिल्कुल इसके जैसा बनेगा ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है ये लाइट को इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे इसलिए ध्यान रखिएगा ड्यू टू दिस टाइप ऑफ फ्लिपिंग विच इज ओनली पॉसिबल इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट फ्लिपिंग के कारण ओपन चेन का नाइट्रोजन कायरल नहीं होता है लेकिन अगर वहीं पर फॉस्फोरस है जो कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट है अब यहां पर फ्लिपिंग नहीं होगी अब फ्लिपिंग नहीं होने के कारण यह कायरल होगा तो इसमें ऑसोमेट्रिक सेंटर वन यहां पर ऑसोमेट्रिक सेंटर लेंगे जीरो अगर देखिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं अगर रिंग का नाइट्रोजन होता रिंग का नाइट्रोजन है यह है एच और सी एस थ्री अब क्वेश्चन होता है कि सर इसमें कितने कायरल हैं तो यार एक तो ये कार्बन देखो एच सी एस थ्री इधर सी एस टू एन एक तो ये कायरल है दूसरा नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर हाइड्रोजन एक सी एस टू एक सी एस सी एस थ्री तो रिंग का जो नाइट्रोजन है रिंग में इस टाइप की फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं है फ्लिपिंग केवल ओपन चेन में हो सकती है ओपन चैन में फ्लिपिंग हो सकती है इसलिए ओपन चैन का नाइट्रोजन कायरल नहीं है असोमेट्रिक सेंटर जीरो और यहां पर असोमेट्रिक सेंटर इज इक्वल टू टू ठीक है इस मोलिक्यूल में देखिए तो यार एक एच है एक Cl है एक एच एक Cl इधर सी एच इधर सी एस टू तो चारों डिफरेंट हो गए चारों डिफरेंट हो गए एच सी एल सी एस टू सी एच तो ये तो असमेट्रिक सेंटर है ठीक है अब देखो जरा ये ऊपर वाला कार्बन ये असमेट्रिक सेंटर है या नहीं ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन है अब देखो ये एक हाइड्रोजन नीचे मिला सी एच टू यहां पर सी टू और यहां पे तो सी एच सी एल है तो एक हाइड्रोजन एक सीएचसीएल, ये दोनों डिफरेंट हो गए इधर CS2, इधर सेम मिला क्या करेंगे आप सर आगे बढ़ो, आगे बढ़े यहां पर सीएसटू सी एच था इसके मतलब इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट और नीचे वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो इस कार्बन से लगे चारों ग्रुप भी डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि एक एच है एक्स टू सी एच सी एल एक्सीएस टू सी एच और एक सी एस टू सी एस टू तो इसमें असमेट्रिक सेंटर इक्वल टू टोटल थ्री हो जाएंगे सेंटर नोट कीजिए फिर और एग्जांपल लेते हैं अगर हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है ये तो अब देखिए इस मॉलिक्यूल में ये वाला कार्बन भी कायरल है ये वाला कार्बन भी कायरल है इस कार्बन से लगे चारों ग्रुप डिफरेंट है ये भी कायरल है और ये भी कायरल है तो इसमें ऑस्मेट्रिक सेंटर इक्वल टू फोर ठीक है कितने एग्जाम्पल हो गए थे टोटल सिक्सटीन ये है सेवनटीन और एग्जाम्पल लेते हैं अब देखो जैसी ये रिंग है तो एक काम करते हैं इसी के जैसा ये रिंग थी ना ये दोनों कार्बन तो ये दो कार्बन हो गए ठीक अब ये जो ऊपर वाला कार्बन है इसको ऐसे बना दिया ये और जो ये कार्बन था इस कार्बन को यहां बना दिया यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ अब देखिए जरा इस मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन है तो ये कार्बन एक एच यहां पे सी एस टू यहां पर भी सी एस टू यहां पर भी सी एस टू जब इधर आगे गए तो एच मिला इधर ओ मिला और इधर सी एस टू तो पहली बार तो सीएस टू सी एस टू सी एस टू मिला लेकिन आगे जाने पर इधर सी एस टू मिला इधर सी एच और इधर सी ओ इसका मतलब ये कार्बन कायरल है और ऐसे ही ये कार्बन भी कायरल है क्योंकि एक एच एक सीओ एक सी एस टू सी एच और एक सी एस टू सी एस तो इसमें ऑसोमेट्रिक सेंटर इक्वल टू हो जाएंगे टू ठीक है एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं मान लो हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है अब ये मॉलिक्यूल है नाइनटीन वाला और इस मॉलिक्यूल में पूछा है टोटल कायरल एटम आइडेंटिफाई करो कितने हैं तो यार एक तो एच ओ एच ये कायरल है आप कहेंगे सर इधर भी बेंजीन रिंग लगी उधर भी बेंजीन रिंग लेकिन देखिए दोनों तरफ इन्वायरमेंट अलग है इधर ये पूरा लगा है इधर ऐसा पूरा कुछ नहीं इस कार्बन से आप देखोगे तो ये कार्बन लगा है क्या इधर वाले से इस कार्बन से एक और कार्बन लगा था नहीं अगर ऐसा ही सब कुछ इधर भी होता तब तो दोनों सेम होते अभी तो दोनों साइड में डिफरेंट है और इसलिए एक कायरल एटम तो ये है दूसरा ये वाला भी एटम कायरल होगा ये सल्फर है एस है ये भी कायरल है ये एटम भी कायरल है ये रिंग का नाइट्रोजन है इससे एक एच लगा है और एक लोन पेयर है तो रिंग का नाइट्रोजन भी कायरल ये एटम भी कायरल है यह नाइट्रोजन ओपन चेन का है यह कायरल नहीं होगा और यह एटम कायरल है तो अगर हम यहां पर ऑसोमेट्रिक सेंटर देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ऑसोमेट्रिक सेंटर्स आर सेवन नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं so सो इट्स ऑल अबाउट symmetry, center of symmetry and identifying chiral आइडेंटिफाइंगटम इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन द स्पेज एग्जिबिट प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यार इस मॉलिक्यूल में अगर देखो अगर हम इसको यहां से कट कर दें तो इसमें पीओ है ठीक है ये वाला मॉलिक्यूल देखो इसमें दो सीएस थ्री है एच है और डी है अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं तो इसमें भी पीओ एस है इस मॉलिक्यूल में देखिए अगर मैं इसको यहां से कट कर देता हूं यहां से तो देखो ये H एच एच H ये सारे एक प्लेन में आएंगे इधर भी सीएस थ्री इधर भी सी एस थ्री तो इसमें भी पीओ एस है लेकिन अगर मैं इसको पीएस थ्री एच डी सॉरी बी आर यहां पे बी आर इसको कहीं से भी कट करें ये इक्वल प्लेन में कन्वर्ट नहीं इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा इसमें पी ओ एस नहीं है सो करेक्ट आंसर इज डी नेक्स्ट देखिए कंपाउंड बोध हैज बोध सेंटर ऑफ सेमिट्री एंड पी ओ अब इस मॉलिक्यूल में देखो फर्स्ट वाले में अगर मैं इसको यहां से कट करता हूं तो पीओएस तो है लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि देखो इधर गए ऊपर सीएल है इधर भी ऊपर ही है जबकि नीचे होना चाहिए था तो पीओएस तो है लेकिन सीओ नहीं है यहां पर देखिए यहां से कट कर दें तो पीओएस तो है लेकिन ऑड नंबर ऑफ एटम वाली रिंग है ऑड नंबर ऑफ रिंग वाली एटम वाली रिंग में सीएस हो ही नहीं सकता देखो ऑब्वियस सी बात है यहां गए ऊपर सीएल एल यहां नीचे सीएल है ही नहीं यहां पर देखिए अगर मैं इसको यहां से कट करता हूं तो इस मॉलिक्यूल में पीओ तो है सी ये सेंटर है ऊपर गए सीएल नीचे सीएल लेकिन इधर ऊपर सीएल इधर भी ऊपर सीएल है, है तो पीओ तो है लेकिन सी नहीं है जबकि यहां पर देखिए अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूं तो ये सिग्मा प्लेन यस पीओ है अगर हम सेंटर से सीएल गए ऊपर सीएल गए नीचे सीएल गए नीचे सीएल गए ऊपर जाए तो सी भी है पीएस भी है करेक्ट आंसर डी ठीक है नोट कीजिए चलिए कुछ और क्वेश्चंस नंबर ऑफ कायरल इटम तो यार यहां पर देखो एच और एम तो डिफरेंट है लेकिन नीचे गए तो सीएस टू सी एस टू यहां पर भी सी एच यहां पर भी सी एच असमेट्रिक सेंटर इज इक्वल टू जीरो यहां पर एच एम ई ये वाला सी एस टू सी एस टू पहले तो सी एस टू सी एस टू मिला लेकिन आगे जाने पर नीचे सी एस टू और उधर सी एच तो ये दो असोमेट्रिक सेंटर हैं और इसमें अगर देखें तो ये एच एम ई इधर सी एस टू सी एच इससे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट है तो जीरो टू वन करेक्ट आंसर ए नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ कायरल सेंटर तो यार एक तो ये वाला कार्बन है जिससे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट है एच ओ एच सी एस थ्री और एक पूरा एच बी आर सी एस टू ओ एच और आईसो प्रोफाइल तो ये और इससे भी डिफरेंट है एच सी एस थ्री सी टू एच फाइव तो इसमें सेंटर इज इक्वल टू थ्री विच फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए कायरल कंपाउंड अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन है तो वो हमेशा ही कायरल होता है लेकिन अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है देन यू विल हैव टू चेक पीओ एस एंड सीयूएस अब देखो यहां पर सीएस थ्री आइसो प्रोफाइल भी आइसोप्रोपाइल ये एच और ओ एच तो डिफरेंट थे तो ये काइरल नहीं हुआ क्योंकि दो तो सेम हो गए ये वाले हो ही नहीं सकते दो सी एस थ्री है यहां पर भी दो सी एस थ्री देखो ये काइरल हो नहीं सकता दो सी एस थ्री यहां पर भी दो सी एस थ्री अब इसकी अगर बात करें तो एच और सी एस थ्री ये तो डिफरेंट है लेकिन ये दोनों ही सेम है तो यहां पर भी जीरो यहां पर भी सेंटर जीरो यहां पर तो ये दोनों ओ OH एच हो गए ये भी नहीं है इस पे दोनों सी थ्री हो गए इस पे दोनों सी एस थ्री असोमेट्रिक सेंटर जीरो यहां पर देखो ये एक एच ये सी एस थ्री ये टर्सरी आईसो प्रोफाइल इसमें एक काइरल एटम है असमेट्रिक सेंटर वन और ध्यान रखिएगा मॉलिक्यूल विद वन काइरल कार्बन इज ऑलवेज काइरल इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव चाहो तो एक पॉइंट लिख सकते हो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हैविंग वन कायरल एटम इज ऑलवेज कायरल इज ऑलवेज कायरल इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव लेकिन एक से ज्यादा कायरल है तब क्या करोगे तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना पड़ेगा सो थैंक यू वेरी मच आज के लिए इतना ही बाकी बातें बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में